सबसे पहले जानना चाहेंगे दिल से कनेक्शन क्या है, क्या एग्जैक्टली है, आप कुछ बताना चाहेंगे हम लोगों को? बहुत, अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूँ तो हमारा जो दिल से कनेक्शन बना है हमारे व्लॉग्स के ज़रिए, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, दीपिका की दुनिया के ज़रिए, इन 2 सालों में वही सफ़र दोबारा आपको देखने मिलने वाला है। लेकिन इस बार छोटे पर्दे पर हम आपके घर आने वाले हैं द क्यू टीवी के ज़रिए, एंड वहाँ पे आप हमें एज अ शो देख पाएंगे। तो हमारा जो दिल से कनेक्शन जो हमारा आप सबके साथ जो हमारे अभी यूट्यूब ऑडियंस का जो बना हुआ है, अब वही दिल से कनेक्शन अब हम बनाएंगे उनके साथ जो शायद जिनके पास वो इंटरनेट का एक्सेस ना हो या वो इतने यूज्ड टू ना हो फ़ोन पे या इंटरनेट पे एक्सेस करने की चीज़ों को, जो टीवी देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अब उनसे दिल का कनेक्शन बनाएंगे क्यों? करेक्ट। ये कनेक्शन की बात की जाए अगर, तो ये शो जो है, आपको लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ के उसमें हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही आपकी पर्सनल लाइफ सामने आ जाएगी लोगों के? अब पर्सनल लाइफ हमारी ऑलरेडी सामने है लोगों के। पिछले आई थिंक 2 साल की हमारी जर्नी हो गई है। 2020 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, 2 साल की जर्नी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग बहुत ज़्यादा हमसे कनेक्ट हो गए हैं। हम करेक्ट। मतलब हमने एक्चुअल मायने में दिल से कनेक्शन हमने पहले बना लिया है ऑडियंस से। आई थिंक यही देख के समझ के इस शो का नाम आई थिंक दिल रखा से गया है दिल कनेक्शन से रखा गया कनेक्शन है, है वही। क्योंकि इन 2 साल में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत ज़्यादा प्यार पाया है, बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, सब कुछ हमें इन 2 साल के उसमें मिला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं यही लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि पहले हमें लोग एज एन एक्टर देखते थे और फिर जब ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई तब वहाँ पे लोगों ने हमें एज शोएब एंड दीपिका जानना शुरू किया कि हम अपनी लाइफ में कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हम पेरेंट्स को किस तरीके से रखते हैं, हम छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक ये उन लोग को अच्छा लग गया, बस ये बिल्कुल। कह सकते हैं शायद पसंद आ गया। और जब आप अपनी एक पर्सनल लाइफ का हिस्सा दिखा रहे हो और अगर आपको ऐसा फीडबैक आपके दर्शकों से मिलता है ना कि आपके व्लॉग्स देख के हम खुश होते खुश हैं, होते हैं। हम अगर अपना दिन, हमारा दिन सैड बीतता है तो हम आपके व्लॉग्स देख के हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, या हम सीखते हैं आपसे, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने लगे हैं, तो अगर हमारी पर्सनल लाइफ शेयर करने से हम कुछ लोगों में पॉजिटिविटी बांट पा रहे हैं या खुशियाँ बांट पा रहे हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। सोशल मीडिया की बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्रोल्स भी होने लगती हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं आपके, तो आप कैसे डील करते हैं उस चीज़ को? क्योंकि हाल ही में मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो ये जानने में, ये नज़र में आई कि मतलब कि दीपिका जो है अगर घर का काम भी करती तो लोगों को वो भी नहीं अच्छा लगता कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर आप घर का काम कर रहे हो। मुझे हाँ सी ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सबके घर में जो भी मम्मी है तो मतलब वो हर किसी को अपनी माँ को भी पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारी जो जनरेशन रही है, मतलब आई लाइक हम तो 80s के बॉर्न हैं, जो उससे करेक्ट पहले के हैं, तो इस चीज़ को पता है बहुत पहले अच्छा माना जाता था। बिल्कुल। हाँ ये चीज़ अच्छी है कि जैसे जैसे इंसान ग्रो कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, औरतों को भी उतनी सहूलियत मिल रही है, लोग अब लोगों का दिमाग थोड़ा सा माइंड यू नो आगे हो रहा है कि नहीं यार लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनका जो मर्जी हो उनको वो करने देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वही लड़की कुछ बन के कुछ पढ़ के भी अपना काम करना चाहती है घर का तो उसको आप ट्रोल करो या उसे बोलो कि घर का यू नो कि क्या। आजकल पता है क्या हो गया है, सबने एक नोशन बना लिया है, जैसे जैसा कि आपने कहा कि कमेंट्स आते हैं कि एक सेलिब्रिटी हो के आप काम क्यों कर रही हो, आपने आप खुद को बाई बना के रख रही हो, मतलब मेरा घर है, एक एक्टर होना मेरा प्रोफेशन है, उसके साथ अगर ये मेरी चॉइस है कि मैं अपना घर भी संभालना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए, मुझे अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या मैं उन्हें डब्बा बना के दूँ, मतलब ऑनेस्टली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को पता है कि मेरा ड्रीम क्या था, मेरा ड्रीम था कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, यू नो, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई हैव सीन एट होम। सो आजकल लोगों को ना ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी लाइकिंग इस तरफ भी हो सकती है कि वो घर संभाले। मेरे मेरे मन में किसी के लिए कुछ अगेंस्ट नहीं है, ऑब्वियसली जैसे कि शोएब ने कहा, आज की दुनिया में ये एक बहुत अच्छा है कि लेडीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेडीज़ के पास भी उतनी ही सहूलियत है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरी चॉइस से लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों है ये हमारे अरे परे है। कई लोग तो बोलते हैं कि अरे आप क्या सीख दे रहे हो आजकल की, मतलब दीपिका को बोलते हैं कि आप क्या सीख दे रहे हो आज हाँ की आप जनरेशन को, लड़कियों को,
कि आज की लड़कियों को आपको मतलब वुमन एम्पावरमेंट बताना चाहिए, आगे बढ़ो, तो हम लोग कभी कभी सिर्फ सोच के हंसते हैं कि अगर एक लड़की आज अपने घर का काम कर रही है, आज वो अगर खाना बनाना चाह रही है, अगर वो घर पे बिल्कुल एज एन एक्टर, हम क्यों घर पे एक एक्टर की तरह रहें? आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर में 24 घंटे मेकअप के साथ यू नो वो टिप टॉप बैठ के ऐसी बातें करें? हाँ दीपिका, कैसी हो तुम, अच्छी हो, चलो कट बोलो यार, कम ऑन यार, घर पे हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यार। मुझे एक सवाल पूछना है, आपने अच्छा हुआ ये सवाल किया कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये क्यों है कि मैं घर के काम नहीं कर सकती? आई मीन हाउ डज दैट मेक मी अ वीक वुमेन? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस। और मैंने कई बार और कई इंटरव्यूज़ में और मैंने कई अपने व्लॉग्स में भी, जब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं जवाब देने के मूड में आती हूँ, तब मैंने ये पूछा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये क्यों है कि मैं घर का काम नहीं कर सकती, मतलब मैं बाहर जा, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो किसी चीज़ में भी खुश नहीं है। अगर शादी के बाद मैं शो कर रही हूँ तो उनको बुरा लगता है कि हाय देखो बेचारी शादी के बाद काम करवाने भेज दिया। अगर काम नहीं कर रही हूँ तो बोलेंगे हाय बेचारी शादी के बाद काम नहीं करने दे रही, घर का काम करूँगी तो उनको दिक्कत है। तो उनको हर चीज़ में दिक्कत है। तो आप रहो अपनी दिक्कत के साथ खुश, हम खुश हैं अपने घर पर भैया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो शो है दिल से कनेक्शन का, आपके ऊपर 24 घंटे कैमरा रहेगा। दीपिका को तो खैर बिग बॉस जीतने की भी आदत थी, 24 घंटे वो उसमें रह सकती थी, बट आप कैसे डील करेंगे इस चीज़ को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटे कैमरा नहीं रहेगा। जो हमारे हम व्लॉग्स हम जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे, एंड देन फिर वो आपको टेलीविजन पे देखने को आएंगे। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल्स खोले थे जिधर हम अपने व्लॉग्स शेयर किया करते थे, हमारी 2 साल की जो जर्नी है वो एक बार फिर दर्शक देखेंगे, लेकिन इस बार टेलीविजन पे देखेंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी जो आ चुकी है वही आप दोबारा एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक नए अंदाज में, एक नए ट्विस्ट के साथ, एक नए मज़ेदार तड़के के साथ। हम आपसे कुछ चंद सवाल पूछेंगे जैसे रैपिड फायर राउंड, ठीक है, कि हु इज द मोस्ट रोमांटिक पर्सन? रोमांटिक पर्सन ये, हाँ ये ही। एंड सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? डिपेंड करता है, जिसको लग जाता है कि अच्छा ओके मैंने ज़्यादा ब्लंडर कर दिया, मैंने ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, या मैं ज़्यादा रूड हो गया, या मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो नहीं होना चाहिए, तो वो कर लेता है। करेक्ट, ओके। एंड आप गुस्सा सबसे पहले ज़्यादा किसको आता है? जो मैं ही रहता हूँ तो ये बोलती है हमेशा, हालांकि गुस्सा ऐसे नहीं आता है, बट हाँ आ जाता है कभी भी किसी को भी, किसी जैसे एक नॉर्मल लाइफ में नहीं होता कि अच्छा कोई चीज़ किसी ने कुछ कर दी उसको नहीं पसंद आया तो उसको गुस्सा आ गया। तो मैं बोलने वाली थी, उससे पहले आपने मैं बोल दिया तो मैं बच गई। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन कि आप जो है इस शो के माध्यम से लोगों को क्या क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा संदेश जो है वो यही है, दिल से कनेक्शन है। और जैसे कि इसका एक प्रोमो अभी कल हम लोगों ने डाला है, आया है, उसमें यही है कि लाइफ में सब कुछ मतलब ज़िंदगी एक ऐसी है ना कि आपको नहीं पता कि कब तक है ज़िंदगी, आपका कौन सा मोमेंट आपका लास्ट होने वाला है, कौन सा मोमेंट आपका, आपको नहीं पता क्या कि ज़िंदगी क्या है। आई थिंक जितने लाइफ में आपके डे टू डे लाइफ में आपके छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना, अगर आप उनको बड़ा बना के जियोगे ना, आई थिंक तो आपकी लाइफ जितनी भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल होगी। आई थिंक वही हमारा मोटिव रहता है कि लाइफ में ज़िंदगी में ओके आगे की प्लानिंग करो, डेफिनेटली अपना आगे की प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आगे की प्लानिंग के बारे में सोच के आप अपना आज ख़राब कर रहे हो और अपना आज जो है सिर्फ टेंशन में बता रहे हो कि रिक्शेट यार आगे का ये नहीं हुआ, कैसे होगा, अभी इतनी प्लानिंग नहीं हुई, इतनी भी सेविंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उस चक्कर में अपना आज बिता ख़राब कर रहे हो। और आज आज करते 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 कब ऐसे कुछ साल आपकी ज़िंदगी के बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आई थिंक खुश रहो, प्यार बांटो, हर मोमेंट को एंजॉय करो, लाइफ में जो होना का वो होके ही रहेगा, हो जाएगा। और आई थिंक ये पिछले 2 सालों में हम सब ने ये देख लिया, ये सीख लिया कि जितना भी पैसा कमा लोगे, अगर हालात कुछ ऐसे हो गए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज, हम सबके अंदर ये होता है, सबके अंदर, हमने भी टाइम के साथ सीखा है कि हम एक किसी पॉइंट पे ना काम के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किस लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना या वो मोमेंट्स को वैल्यू देना वो ख़त्म कर देते हैं। तो वो मत कीजिए। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जैसे कि शोध ने कहा, खुशियाँ बड़ी करके मनाएं, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, चाहे वो बर्थडे हो,
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो, यूट्यूब फॉलो, जो भी एक छोटे से छोटा अचीवमेंट हो सकता है कि, हो सकता है शाम को जाके हम आज के दिन भी सेलिब्रेट करें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे लिए ये एक एक पड़ाव है, एक बहुत एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, एक सिंपल सी चीज है। हम लोग दोनों बहुत एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका कोई भी दूर दूर तक बैकग्राउंड कनेक्शन नहीं था इस इंडस्ट्री से, और आज देखिए आई थिंक ऊपर वाले कर्म से आप सबके प्यार की वजह से आज आप सब लोग हमारे इंटरव्यूज़ के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। yes. तो हम इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं कि यार कहाँ से आए थे। कहते ना कि इंसान को कभी अपने रूट्स नहीं भूलना चाहिए, कहाँ से उसने शुरुआत की थी वो कभी नहीं भूलना चाहिए, आप हर मोमेंट इन्जॉय करोगे। तो बस यही हम शेयर करने वाले हैं। लास्टली एक रोमांटिक डायलॉग अगर आप लोग एक दूसरे को, अगर रोमांटिक डायलॉग बोलिए चलो। अरे कौन सा नहीं आ रहा था, बता कुछ बता तो ऐसे आपकी नहीं कौन सा है वो? ये पैर रहने दो प्लीज, ये कॉमेडी बन जाएगा, वो हमारे बस की बात नहीं है। क्या है ये कोई बात, शाहरुख खान का कोई डायलॉग बताओ, कुछ आइडिया दो। शाहरुख खान का डायलॉग, बेइज्जती मत करना, देखो बहुत मार पड़ेगी। शाहरुख खान का डायलॉग खराब किया तो राज, अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो तुझे पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.